ओके फ्रेंड्स, ही सेज दैट अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, अगेन फ्रीली फॉलिंग यानी ऊपर से ऐसा होल्ड करके जो छोड़ी जाएगी, ओके, बॉडी इवेंचुअली स्टॉप्स ऑन रीचिंग द ग्राउंड, जैसी जमीन पर टच हो रही, टच होने के बाद रुक जाएगी फ्रेंड्स। बोलता है व्हाट हैपेंस टू इट्स काइनेटिक एनर्जी, भाई इसकी काइनेटिक एनर्जी का क्या हुआ, देखते हैं फ्रेंड्स। सपोज ये बॉडी है बेटा, ओके, यहाँ रुकी हुई थी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, ओके, ये ग्राउंड है, जैसे ही आपने छोड़ा ये ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ आएगी, जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड या जस्ट व्हेन इट टच द ग्राउंड इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम। फ्रेंड जैसे ही नीचे आई, रुकने से पहले या जस्ट स्ट्राइक करी, इसकी काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम, करेक्ट है। बट व्हेन इट प्योरली फॉल्स ऑन द ग्राउंड आफ्टर यू कैन से वेरी स्मॉल टाइम, व्हेन इट स्टॉप्स, इट फॉल्स, गिर गई, और व्हेन इट स्टॉप्स इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स जीरो। When it stops on earth, ground, I should write ground, definitely kinetic energy बाद में क्या हो गई, zero। तो पहले क्या हुआ friends, total potential energy काय में convert हुई just टकराने से पहले kinetic energy में, और टकरा के जब body रुक गई वापस kinetic energy क्या हो गई friends, zero। Okay friends, now he says that explain energy conservation in simple pendulum. Simple pendulum you have seen, एक bob होता है बेटा, जो body होती है, rod को attach होती है या string को attach होती है, उसको बोलते हैं bob, B-O-B, यही words चाहिए, body नहीं बोलना, okay? जब उसको हल्का सा हम just ऐसा एक force देते हैं, just एक you can say push देते हैं, it start oscillation, correct बेटा? आपने कहा है vibratory या oscillatory motion, that's a simple pendulum called, okay? अब बराबर देखिए, यह simple pendulum है, इसको बोलते हैं फ्रेंड्स ए को, बराबर सुनिए बेटा, मीन पोजीशन, क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन। अब ये यहां गया, ये देखिए फ्रेंड्स बॉब यहां गया, इसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, राइट वाला पॉजिटिव फ्रेंड्स, ओके, बी दे दो नाम, ओके, फिर ये वापस ऐसा आता है, अब यहां आ गया फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सट्रीम पोजिशन, नेगेटिव एक्सट्रीम पोजिशन, आराम से देखिए फ्रेंड्स, नेगेटिव एक्सट्रीम पोजिशन, इसको नाम दे दो सी, आराम से पहले डायग्राम देखिए अच्छे से, ओके, आपको टेक्निकल बातें करेंगे, बड़ी इजी है लेकिन जरा अच्छी टेक्निकल है। जब यहां से आपने इसको एक अच्छा धक्का देके या पुश देके यहां लेके गए थे, ये मैक्सिमम जाने के बाद फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए फ्रेंड्स रुकेगा, इसको रिटर्न आना है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए रुकेगा, यानी इस पॉइंट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी जीरो, और इसने एक पोजीशन ली फ्रेंड्स, ग्राउंड से थोड़ा ऊपर उड़ गया, पोजीशन ली, इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी फ्रेंड्स मैक्सिमम बी पे, आई रिपीट बी पे इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो, क्यों, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए रुकेगा फ्रेंड, वापस आना इसको, और जब रुका यानी एक पोजिशन आ गई पेंडुलम में, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, ओके, आ जाओ अब यहां आओ, यहां पर वापस गया, सेम फ्रेंड्स जब लेफ्ट में भी गया, काइनेटिक एनर्जी जीरो, सेम पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, रुकना है उसको, रिटर्न आना है, बराबर देखो सी पे भी यही फ्रेंड्स, ओके, नाउ द टेक्निकल स्टार्ट, जब ये बी से रिटर्न ए की तरफ आएगा फ्रेंड्स, देखो पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, ग्राउंड के नजदीक आ रहा है, और यहां आके पूरी पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो गई, एकदम रैपिडली ये ऊपर जाएगा, यानी काइनेटिक एनर्जी यहां पर होगी मैक्सिमम फ्रेंड, और पोटेंशियल एनर्जी होगी जीरो फ्रेंड्स, ए पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल जीरो, ऐसा खेल चलेगा, पोटेंशियल काइनेटिक, पोटेंशियल काइनेटिक, हाँ चल रहा है, कोई इशू नहीं है। अब सर हमको ये बताओ, यहां भी तो होने वाला है पेंडुलम, हाँ, इस केस में फ्रेंड्स उसके पास दोनों एनर्जी है, दोनों है, कैसा, ग्राउंड से थोड़ा ऊपर है और प्लस यहां आ रहा है तो काइनेटिक भी है, ग्राउंड से ऊपर है और उसके पास काइनेटिक भी है, टोटल एनर्जी यहां पर दोनों का कॉम्बिनेशन होगा फ्रेंड्स, लेकिन यहां रिटर्न आते वक्त, ये देखो यहां रिटर्न आते वक्त पोटेंशियल कम हो रही है, काइनेटिक बढ़ रही है, यहां ऊपर जाते वक्त वापस दोनों है लेकिन पोटेंशियल बढ़ रही है, काइनेटिक कम हो रही है, क्यों, ग्राउंड के अगेंस्ट जा रहा है फ्रेंड्स, वापस देखो फ्रेंड्स, यहां से यहां जाने में बेटा इसकी हाइट बढ़ रही है, मुझे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी,
अब देखिए टोटल एनर्जी कंजर्व रहना ही है, कैसा मैं बताता हूं, समझो एग्जांपल, आई रिपीट एग्जांपल, 100 जूल्स टोटल एनर्जी थी प्रोसेस में, बॉब में टोटल एनर्जी थी 100 जूल्स। तो देखिए बेटा इस एंड पे पूरा पोटेंशियल होगा 100 क्योंकि काइनेटिक जीरो है, इस एंड पे आई एम सॉरी पूरा होगा पोटेंशियल क्योंकि काइनेटिक जीरो है, इस एंड पे अगेन पूरा पोटेंशियल होगा 100 काइनेटिक जीरो है, इस एंड पे पूरी काइनेटिक होगी 100 क्योंकि पोटेंशियल जीरो है। सब लोग समझ गए? हाँ। अब सर हमको ये बताना यहाँ, हाँ यहाँ फ्रेंड्स आई रिपीट, यहाँ फ्रेंड्स बराबर देखिए, अगर काइनेटिक, आई रिपीट, अगर काइनेटिक फ्रेंड्स 60 है पोटेंशियल होगा 40, क्यों टोटल क्या आना है करेक्ट। और आ जाओ यहां फ्रेंड्स, अगर यहां आई रिपीट जस्ट एग्जांपल, यहां फ्रेंड्स पोटेंशियल है 80, काइनेटिक कितनी होगी 20, क्यों फ्रेंड्स टोटल क्या आना है। तो थ्रू आउट साइकिल में फ्रेंड्स, थ्रू आउट साइकिल में हमेशा याद रखना टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। खाली क्या होगा जब एक्सट्रीम्स में होंगे ये पोटेंशियल के फॉर्म में होगी, जब मीन पे होगा ये काइनेटिक के फॉर्म में होगी, और पाथ में कहीं बीच में होगा तो दोनों के एडिशन के फॉर्म में होगी फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, नाउ विल सी द अनदर एग्जांपल, इज अ वेरी गुड एग्जांपल। ही सेज दैट व्हिच इज करेक्ट एनर्जी डायग्राम फॉर द सिंपल पेंडुलम। चार ग्राफ्स आपको दिए हैं फ्रेंड्स, चार डायग्राम्स आपको दिए हैं, यू हैव टू चूज द करेक्ट वन। ओके स्टार्ट, फर्स्ट वन ये देखो बेटा, टीई मीन्स टोटल एनर्जी, पीई मीन्स पोटेंशियल एनर्जी, यू भी लिख सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है, केई मीन्स काइनेटिक एनर्जी। ओके ऑफकोर्स एबीसी अभी सिखाया, ये मीन पोजिशन, ये राइट एक्सट्रीम, ये लेफ्ट एक्सट्रीम, पॉजिटिव एक्सट्रीम नेगेटिव एक्सट्रीम, सबके लिए वही है फ्रेंड्स। ओके नाउ स्टार्ट, सबसे पहले आपने मुझे क्या बोला फ्रेंड्स, एक्सट्रीम पे पोटेंशियल मैक्सिमम लेकिन मीन पे जीरो। ये देखो फ्रेंड्स ये पोटेंशियल एनर्जी ना, ये देखो मैक्सिमम है ना ऊपर है, ये देखो ये ऊपर है, मैक्सिमम वैल्यू है पोटेंशियल की, मीन पे ये देखो ये जीरो हो गई, ठीक लग रहा है ये। फिर आपने मुझे बोला फ्रेंड्स एक्सट्रीम पे काइनेटिक जीरो सर, बट मीन पे काइनेटिक मैक्सिमम, चलो देखते हैं। ओह गॉड, ये देखो काइनेटिक जीरो ना, ग्राउंड है जीरो, ये देखो मैक्सिमम हो गई मीन पे, फिर एक्सट्रीम पे देखो जीरो। ओके आपने बोला सर लेकिन टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड, कंजर्व्ड यानी कॉन्स्टेंट लाइन, देखो पैरेलल लाइन ये कंजर्व्ड, यस द फर्स्ट डायग्राम इज करेक्ट, फर्स्ट डायग्राम बोलता है पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजिशन, मिनिमम एट मीन पोजिशन, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम एट एक्सट्रीम पोजिशन, मैक्सिमम एट मीन पोजिशन, टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड, द डायग्राम फर्स्ट इज करेक्ट। दूसरे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं, फिर भी तुम करना चाहो बताता हूं। ये बोलता है काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पे मैक्सिमम है, देखो ये काइनेटिक एनर्जी है, गलत, बात ही खत्म। ये बोलता है काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पे मैक्सिमम है, देखो ये एक्सट्रीम पॉइंट ना, काइनेटिक मैक्सिमम बोलता है, गलत, जरूरत ही नहीं है। ये देखो ये बोलता है पोटेंशियल एनर्जी, बराबर देखो पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पे मैक्सिमम है, हाँ ये ठीक है, लेकिन ये बोलता है कांस्टेंट है काइनेटिक एनर्जी, जी नहीं कांस्टेंट टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, काइनेटिक नहीं जी, गलत, आंसर फर्स्ट इज करेक्ट। ओके फ्रेंड्स नाउ लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक दैट इज नथिंग बट पावर। व्हाट इज पावर? इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ वर्क डन, सिंपली पावर इज नथिंग बट रेट ऑफ वर्क डन। फ्रेंड्स रेट का मतलब सिखाया गया डिवाइड बाय टाइम, फ्रेंड्स रेट का मतलब सिखाया गया डिवाइड बाय टाइम। तो पावर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड बुक पी से बताएगी वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, टी एनी टाइम फ्रेंड्स, दैट्स कॉल्ड पावर। इट्स एसआई यूनिट इज, देखिए फ्रेंड्स ये होता है जूल्स में, ये होता है सेकेंड में, इसको साइंटिस्ट ने अपने नाम पर दिया था, कॉल वॉट्स, और लिखते हैं डब्ल्यू। ओके पढ़ते हैं वॉट्स, तो इसकी एसआई यूनिट होती है डब्ल्यू, वॉट्स, इज दैट क्लियर? ओके नेक्स्ट, इफ सपोज वर्क डन इज इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इफ द वर्क डन इज इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो पावर फ्रेंड्स हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ओवर टाइम। फ्रेंड्स इफ वर्क डन इज इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जैसा
अपने ग्राउंड लेवल पे पानी है, ऊपर अपने को टावर में अक्सर टैंक ऊपर होती है, वाटर टैंक आपने देखा होगा, पानी को उठा के ऊपर लेके जाना है, क्या चेंज हुआ बोलो फ्रेंड्स? पोटेंशियल एनर्जी। अगर वर्क डन उस फॉर्म में होगा तो उस केस में पावर विल बी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। इज दैट क्लियर? दिस इज अ फ्यू फॉर्म्स ऑफ पावर। जनरल इज वर्क डन डिवाइड बाय टाइम। इफ वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय टाइम। इफ द वर्क डन इज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इट इज कॉल्ड नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। इन दिस इज दैट क्लियर? SI यूनिट इज वॉट्स? इट्स अ प्योरली स्केलर क्वांटिटी फ्रेंड्स, इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। ओके फ्रेंड्स, नाउ विल सी इंस्टेंटेनियस पावर इन टर्म्स ऑफ फोर्स F एंड डिस्प्लेसमेंट S। ओके, अभी आपको फ्रेंड पावर निकालना है किसी इंस्टेंट पे। ओके, लेकिन किसकी टर्म में? फोर्स एंड वेलोसिटी, नॉट डिस्प्लेसमेंट, दैट इज फोर्स एंड वेलोसिटी की टर्म में। वेलोसिटी भी फोर्स एंड वेलोसिटी के टर्म में, नॉट डिस्प्लेसमेंट। बेटा वर्क डन को मैं कन्वर्ट करूंगा, डिस्प्लेसमेंट को कन्वर्ट करूंगा वेलोसिटी में, डोंट वरी। ओके, पावर निकालना है इन टर्म्स ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी के टर्म में। चलो देखेंगे, अभी आपने बोला पावर इज इक्वल टू वॉट? वर्क डन ओवर टाइम। वर्क डन के बदले क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम। ओके, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम क्या होता है फ्रेंड्स? वेलोसिटी। तो यू लर्न द न्यू फार्मूला, पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। आई रिपीट, पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट इज कमर्शियल यूनिट। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी फ्रेंड्स, हम सबको SI यूनिट तो पढ़ता है कोई भी बोलेगा जूल्स, बट नाउ वी हैव टू सी कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कमर्शियल यूनिट क्या होती है? कमर्शियल यूनिट मीन्स कभी आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है गवर्नमेंट का या टाटा या अडानी का, कभी आप वो देखिएगा फ्रेंड्स, उसमें जो यूनिट होती है दैट्स कॉल्ड कमर्शियल यूनिट। ओके, वो होती है किलोवाट आवर। किलोवाट आवर, ओके, दैट्स नथिंग बट कॉल किलोवाट आवर, ये होती है कमर्शियल यूनिट फ्रेंड्स। ओके, इसका जूल्स के साथ कन्वर्जन फ्रेंड्स बराबर देखिए, 1 kWh इज इक्वल टू 3.6 × 10^6 जूल्स। आई रिपीट फ्रेंड्स, 1 kWh इज इक्वल टू 3.6 × 10^6 जूल्स। नेक्स्ट फ्रेंड्स, वॉट इज द कन्वर्जन बिटवीन हॉर्स पावर? आपने देखा होगा कभी भी इंजन को बोलते हैं अरे 6 HP का, 8 HP का, अरे 120 HP का, अरे 28 HP का, लाइक दैट फ्रेंड्स। हॉर्स पावर इज ऑल्सो वन यूनिट ऑफ पावर, तो उसको HP बोलते हैं। ओके, तो हॉर्स पावर यूनिट है वर्सेस वॉट्स। ओके बेटा, 746 watts इज इक्वल टू 1 HP। हॉर्स पावर को स्टैंडर्ड बुक HP से लिखेगी। हॉर्स पावर क्या कन्वर्जन है फ्रेंड्स? 746 watts इज इक्वल टू 1 HP। बिल्कुल ये ध्यान रखिएगा प्लीज फ्रेंड्स, दोनों कन्वर्जन ध्यान रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, नाउ वी विल हैव द स्मॉल न्यूमेरिकल सेक्शन डेफिनेटली ऑन पावर पार्ट ऑफ इट। एन इलेक्ट्रिक लैम्प इज रेटेड 1500 watts। एक इलेक्ट्रिक लैम्प है फ्रेंड्स, ओके, कितना उसका दिया है पावर? 1500। ओके, हाउ मच एनर्जी डज इट यूज इन टैनर्स? कितना एनर्जी वो यूज करती है 10 घंटे में? टैनर्स में कितना एनर्जी यूज करते हैं देखते हैं फ्रेंड्स। ओके, पावर आपने बोला इज वॉट? वर्क डन, यानी अल्टीमेटली एनर्जी। पावर इज अल्टीमेटली वॉट? वर्क डन। वर्क डन इज नथिंग बट यू कैन से अ काइंड ऑफ एनर्जी। एनर्जी डिवाइड बाई टाइम, तो एनर्जी विल बी पावर इंटू टाइम। कितना पावर है फ्रेंड्स? 1500। टाइम कितना? 10। कितना गया ये? 15,000 watts। क्यों वॉट्स फ्रेंड्स? ये वॉट्स में दिया था। ओके, बट हमारी SI यूनिट क्या है फ्रेंड्स? अभी बोला आपने किलोवाट आवर। अब इसको किलो बनाने के लिए 1000 से फ्रेंड्स डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 15,000 / 1000। ये हो गया
किलोवाट आर। फ्रेंड्स, वॉट से किलोवाट्स बनाने के लिए थाउजेंड से डिवाइड, क्यों वो भी देखो। थाउजेंड वॉट्स होता है वन किलोवाट्स, थाउजेंड वॉट्स होता है वन किलोवाट्स। तो आपको किलोवाट्स बनाना है, किलोवाट्स की यूनिट चाहिए, तो वॉट्स को थाउजेंड से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, ये कैंसिल, ये कैंसिल, आंसर कितना आया फ्रेंड्स, 15 किलोवाट्स आर। अब आंसर देखिए, पूरा आर नहीं लिखे हुए, ये भी लिखोगे तो चलेगा, यहां पर वॉट्स आर, किलो वॉट्स आर, ये भी चलेगा, पूरा आर लिखने की जरूरत नहीं, खाली एच भी बताओगे फ्रेंड्स चलेगा, एच आर भी लिखोगे कोई रॉन्ग नहीं है, बट द करेक्ट एसआई यूनिट इज, सॉरी कमर्शियल यूनिट इज के डब्ल्यू एच। ओके फ्रेंड्स, द नेक्स्ट इज अ सर्टन हाउस होल्ड अप्लायंस कंज्यूम 250 यूनिट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग अ मंथ। कोई एक हाउस होल्ड अप्लायंस है फ्रेंड्स, कोई भी एक, चाहे वो रेफ्रिजरेटर हो या कोई और हीटर हो या कुछ भी हो, बोलता है कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है फ्रेंड्स, 250 यूनिट्स एनर्जी। यूनिट्स मीन्स इमीडिएट समझ जाइए फ्रेंड्स, ये कमर्शियल यूनिट है, मजे किलोवाट आवर, के डब्ल्यू एच, किलोवाट्स आर में ये दिया हुआ है फ्रेंड्स, ध्यान रखिए, ड्यूरिंग मंथ। ओके, हाउ मच एनर्जी इज दिस इन जूल्स, आपको इसको जूल्स में करना है फ्रेंड्स। आपने मुझे बोला वन किलोवाट आर इज हाउ मेनी जूल्स, ओके फ्रेंड्स, तो 250 को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, आराम से फ्रेंड्स देखिए, ओके इकाई में कन्वर्ट हो गया जूल्स में, ये जूल्स बन गया। ओके, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे इसका आंसर आएगा 9 इनटू, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा 900, ये 900 इनटू दिस कैसा लिख सकते हैं, 9 इनटू 10 की पावर 8 जूल्स। फ्रेंड्स, इसका आंसर आएगा 900 इनटू 10 की पावर 6, और आसान से अच्छा दिखने के लिए आप लिखोगे 9 इनटू 10 की पावर 8 जूल्स। ओके फ्रेंड्स, द नेक्स्ट ऑफ कोर्स इज आल्सो वन ऑफ अ वेरी गुड क्वेश्चन, ही सेज दैट अ बॉय वेइंग 40 केजी कैरीज अ बैग ऑफ 10 केजी। एक बॉय है बेटा 40 केजी का, उसके हाथ में बैग है 10 केजी का, क्लाइम्स स्टेयर्स इन 5 सेकेंड्स, जो है सीढ़ियां चढ़ता है 5 सेकेंड में। ओके, देर आर 10 स्टेप्स इन द स्टेयर्स ईच 5 सेंटीमीटर। आई रिपीट फ्रेंड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट डेटा, 10 स्टेप्स है और हर स्टेप 5 सेंटीमीटर का है। कैलकुलेट पावर ऑफ अ बॉय, बॉय का पावर निकालना, नो इशू। पावर इज इक्वल टू, आपने बोला है फ्रेंड्स, एनर्जी या वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम। इन दिस केस बराबर देखिए, बॉय जो है ऊपर चढ़ा है, आई रिपीट, बॉय कहाँ चढ़ गया है बेटा, ऊपर चढ़ गया है, यानी वर्क डन किस फॉर्म में किया है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, किस फॉर्म में किया है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्या आएगा, एम जी एच डिवाइडेड बाय टाइम, आराम से वर्क डन के बाद क्या डालता, एम जी एच, एम जी एच। ओके, नाउ स्टार्ट, एम देखो फ्रेंड्स, 40 बॉय का खुद का है, 10 केजी का फ्रेंड्स बैग है, मास कितना हो गया 50, 10 कंपटीशन क्लास में कितना लेंगे 10, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाइट फ्रेंड, हाइट कितनी आएगी, ये देखिए 5 इंटू 10, 10 स्टेप्स है, हर स्टेप कितना 5 सेंटीमीटर, लेकिन जनरली फ्रेंड्स हम ऐसा यूनिट पर वर्क कर रहे हैं, ये हुआ सेंटीमीटर में, ये हुआ सेंटीमीटर में, यू हैव टू कन्वर्ट इनटू मीटर्स, कैसे डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स 100 से, कैसे डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स 100 से, ये हो गया मीटर, 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर, ये मीटर बन गया, डिवाइड बाय टाइम कितना 5 सेकेंड, आराम से देखिए कुछ सेकेंड्स रुकेंगे कुछ सेकेंड्स रुकेंगे, ओके ओके स्टार्ट। ये देखिए फ्रेंड्स, ये 2 जीरो गए, ये 2 जीरो गए फ्रेंड्स, ओके ये 5 कैंसिल, 5 कैंसिल, कितना बचा 50, ऐसा यूनिट क्या होती है फ्रेंड्स, वॉट्स, 50 वॉट्स का उसको वर्क करना पड़ेगा। ओके, कैपिटल बता सकते हो ज्यादा अच्छा है, वॉट्स। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन, ही सेज दैट अ बॉडी ऑफ मास m स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 फ्रेंड्स, u 0, एंड एक्यूअर्स वेलोसिटी v इन टाइम कैपिटल t, यानी इन टाइम कैपिटल t इट गेट्स वेलोसिटी v, ओके, विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वहां पर एक्सेलरेशन भी है यूनिफॉर्म,
find relation between instantaneous power, okay friends, delivered to the body and time t, that's very important, small t beta, for which the body moves, yani body kitne time ke liye move ho rahi hai, t ke liye, correct hai, okay start. Sabse pehle acceleration is equal to, dekho beta, acceleration is equal to final velocity minus initial velocity divided by time, to kya aega, v minus u over capital T, तो acceleration आया v by t, आराम से friends कुछ seconds रुकेंगे, acceleration of course uniform, okay, अब friends after this time आपको खेल इस time बाद चाहिए, भाई इस time बाद कुछ नहीं पूछ रहा है वो, इस time के बाद velocity क्या थी वो निकालने के लिए start kinematic equation v is equal to u plus at, friends ये v से आप ये v को confuse करोगे तो इसको नाम देंगे v dash, फ्रेंड इसको नाम दे देंगे v डैश, क्यों आप ये v से कंफ्यूज हो जाओगे, इसमें इनिशियल जीरो ये अभी आपने निकाला कितना है फ्रेंड्स v by t into t, तो v डैश कितना आ गया फ्रेंड्स v by t into t, आराम से रखिए फ्रेंड्स आराम से, ये हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी आफ्टर टाइम t ये हो गई वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अभी फ्रेंड्स हम पावर निकालेंगे, आप ही बोलते हो फोर्स इनटू वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी फ्रेंड्स v डैश, ये वाली आफ्टर टाइम दिस, पावर के बदले हम क्या लिखेंगे फ्रेंड्स मास, आई एम सॉरी फोर्स के बदले क्या लिखेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन v डैश, मास सही सही, एक्सेलरेशन के बदले फ्रेंड्स फ्रेंड v डैश के बदले, आराम से देखिए एक्सेलरेशन के बदले v by t, v डैश के बदली v by capital T into T, आराम से देखिए, तो नेट रिजल्ट क्या आ गया एम वी स्क्वायर टी ओवर टी का स्क्वायर, आराम से देखिए फ्रेंड्स ये नेट पावर हो गया आपका, ओके फ्रेंड्स नाउ आई हैव गिवन, सॉरी आई हैव गिवन यू वर्क टाइम ग्राफ, आई रिपीट फ्रेंड्स आई हैव गिवन यू वर्क टाइम ग्राफ वेयर देयर इज अ वन कर्व, ओके यू टुक वन पॉइंट एंड ड्रॉ द टेंजेंट, आपने कर्व लिया है किस पे फ्रेंड्स, किस ग्राफ पे, वर्क टाइम ग्राफ पे, ओके वर्क डन भी आप बोल सकते हो कोई इशू नहीं, ओके और यहां पर ऐसा एक कर्व लिया, कर्व के एक पॉइंट पे आपने टेंजेंट मारा, दिस इज दैट स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व इन वर्क डन टाइम ग्राफ गिव्स विच फिजिकल क्वांटिटी, अब फ्रेंड्स इस टेंजेंट का इस पॉइंट पे अगर मैं स्लोप निकालूं, ओके स्लोप यू नो डी वाई बाई डी टी, यानी चेंज इन वाई एक्सेस ओवर चेंज इन एक्स एक्सेस, आप ही बोलते हैं स्कूल से सर वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स एक्स वन इज स्लोप, तो मैं इसको कैसे स्टाइल में लिख सकता हूं, आपको हैबिट काय की है स्लोप की, देखो फ्रेंड्स वाई टू माइनस वाई वन स्कूल से एक्स टू माइनस एक्स वन, यहां हम कैसा चेंज करेंगे, इसको लिखते हैं डेल्टा वाई डेल्टा एक्स, इसको फ्रेंड स्लोप बोलते हैं ना, यू नो स्कूल में ग्राफ में भी हमने किया है। अब देखिए फ्रेंड्स हमारे पास वाई एक्सिस पे कौन है फ्रेंड्स वर्क डन, तो यह आएगा चेंज इन वर्क डन ओवर एक्स पे कौन है फ्रेंड्स टाइम, तो यह आएगा चेंज इन टाइम, अल्टीमेटली फ्रेंड्स क्या हो गया सोचो ना, अल्टीमेटली क्या है, यह है वर्क डन डिवाइड बाय टाइम, वर्क डन डिवाइड बाय टाइम मीन्स वॉट, अरे अभी आपने बोला है इट्स अ पावर रेट ऑफ वर्क डन, तो इट्स गिव्स यू नथिंग बट पावर, इज दैट क्लियर, तो यू लर्न अ न्यू थिंग, इफ आई प्लॉट वर्क टाइम ग्राफ आई टेक एनी कर्व आई ड्रॉ द टेंजेंट ऑन इट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट गिव्स यू पावर फ्रेंड्स, ओके